हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा वायरल मेथड जो आजकल चल रहा है टैनिंग को रिमूव करने के लिए। तो ये दो हमारे मेन इंग्रेडिएंट है। इसके लिए सबसे पहले मैंने काली बाउल ले लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टूथपेस्ट, और जैसे कि वायरल वीडियोज़ में भी दिखाया जाता है आपको, वाइट कलर का ही टूथपेस्ट मैंने यहाँ पर लिया है। इसके बाद आपको इसके अंदर ऐड करना है इनो। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप इसके अंदर एक चम्मच बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसके अंदर मिलाना है थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद आपको इसके अंदर मिलाना है लेमन जूस यानी कि नींबू का रस। मैं यहाँ पर लगभग आधा नींबू का रस पूरा इसके अंदर डाल रही हूँ। तो जैसे कि आपने वायरल वीडियो में देखा ही होगा, सबसे पहले तो इसके अंदर झाग बन जाएगा, उसके बाद ये फॉर्म लाइक कंसिस्टेंसी में बन जाएगा। तो दोस्तों, इस हैक को आपको सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों और पैरों पर यूज़ करना है, अपने फेस पर बिल्कुल भी इसे यूज़ ना करें, क्योंकि हमारे फेस की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है इनो से, और बेकिंग सोडा से इस पर एलर्जी हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। इसलिए मैं भी यहाँ पर इसे हाथों और पैरों पर ही इस्तेमाल करके देख रही हूँ, और रिज़ल्ट भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा तो कोई मेरी स्किन वाइटनिंग यहाँ पर नहीं हुई है, बट हाँ, हम कह सकते हैं कि जो भी आपकी डर्ट और गंदगी वगैरह है, टैनिंग वगैरह है, वो आपकी इंस्टेंटली यहाँ पर रिमूव हो जाएगी। तो अगर आपको हाथों और पैरों की टैनिंग को इंस्टेंटली रिमूव करना है तो आप इस मैथड को, इस हैक को यूज़ ज़रूर करें। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।